morning and welcome all the 12th students. Today we will see the Mendel's third law. In last period we have seen the Mendel's first law, law of dominance, Mendel's second law, law of segregation, which is also called law of separation or law of purity. Then third one, Mendel's third law, the law of independent assortment. This is the third law of Mendel, independent assortment. What is the statement? Before that, remind first law, the law of dominance, where the only dominant characters are expressed in F1. In F1, the character which appear are dominant character and which does not appear are called recessive character. This is the Mendel's first law. Then second law, when in F1 both the genes are remain together, or both the factors remain together from both the parents, remain together as it is without mixing or without influencing each other, and at the time of their gamete formation they separate as it is without any change. So third law, here we took the dihybrid cross or dihybrid ratio. यहाँ पे हम लेंगे दो characters लेके cross करेंगे, two contrasting characters. First is the seeds of pea plant. Mendel ने क्या की वाला है, यहाँ पे दो characters लिए, एक के seeds कैसे हैं, yellow color के हैं, उनका shape कैसा है, round shape है. दो कैरेक्टर्स लिए, कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड. समझ में आ रहा, दो कैरेक्टर्स कौन से, कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड. अनदर पैरेंट विथ और हैविंग ग्रीन सीड्स, शेप इज रिंकल्ड, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, दिस इज फिनोटाइप. Phenotype means external appearance, जो आपको बाहर से दिखता. Genotype क्या आएंगे यहाँ पे, अभी थोड़ा confusing है क्योंकि अभी तक हमने देखा कि monohybrid cross only one character और single contrasting character. यहाँ पे दो contrasting character लिए वाले, yellow round green wrinkle, दो characters है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए. यहाँ पे येलो के लिए अब हम लेंगे कैपिटल वाई, राउंड के लिए लेंगे कैपिटल आर. कैपिटल कहां पे लेते हैं अपन, दोस कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट, जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट है, जिनके कैरेक्टर्स F1 में दिखते हैं उनको अपन कैपिटल लेटर में लेते, कैपिटल वाई कैपिटल आर. यहाँ पे लेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, दीज आर जीनोटाइप्स. Then what will be the gametes? Gametes क्या आएंगे यहाँ पे? Gametes दोनों same हैं, एक ही लेंगे. यहाँ पे दोनों same हैं, एक ही लेंगे. ये दोनों same हैं. Homozygous parents हैं दोनों भी. Both the parents are homozygous for their character. Homozygous है तो दोनों genes और दोनों factors जो है same आते. Same बोले तो capital. यहाँ पे small ऐसा. So these are the gametes. दोनों parents के gametes है. In F1 दोनों gametes fuse होंगे, fertilization होगा. In F1 capital Y small Y capital R small R, ये है F1. This results.
F1 में क्या दिखता, ऑल द प्लांट्स फाउंड हियर, जितने भी प्लांट्स मिलेंगे सब येलो राउंड, ये कैरेक्टर दिखाएंगे, येलो राउंड। समझ में आ रहा, इन F1 ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आएंगे मिलेंगे वो सब कैसे रहेंगे, विथ येलो कलर सीड्स एंड शेप इज राउंड। सो दीज आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, दे आर एक्सप्रेस्ड इन F1, हेंस द मेंडल्स फर्स्ट लॉ यहां पे भी मिलता है अपने को, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कैरेक्टर्स F1 में दिखते उनको बोलते हैं अपन डोमिनेंट कैरेक्टर्स। सो दिस इज F1। अभी यहां से आगे जाना पड़ेगा, अपना जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट जो मेंडल ने दिया वाला है, वो लॉ एक्सप्रेस करने के लिए आगे जाना पड़ेगा इसके आगे नेक्स्ट जनरेशन में। यहां पे अपने को डायहाइब्रिड क्रॉस यहां पे मिल रहा, डायहाइब्रिड क्रॉस बोले तो दो कैरेक्टर लेके के वाला क्रॉस, इसका जो रेशियो आएगा F2 में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायहाइब्रिड रेशियो। हियर टू कंटिन्यू दिस, सेम पेरेंट ऐसा लेंगे क्रॉस करने के लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा लेंगे। और इसको इसके अलावा अपन इसको बाय सेल्फिंग भी लिख सकते, सेल्फ पॉलिनेशन बाय सेल्फिंग, सेम पेरेंट ऐसा ही पेरेंट चाहिए, जीनोटाइप्स के सेम चाहिए, ऐसा ही पेरेंट लेके क्रॉस करेंगे, उसका जो रेशियो आता वो रेशियो अपन बाद में देखेंगे। सो हियर द आफ्टर F1 व्हाट विल बी द रिजल्ट, सो हियर वी कंप्लीट और नॉट कंप्लीटेड इन नेक्स्ट talking on period we will see the what will be the result of this Mendel's third law or diagonal ratio or diagonal cross। यहां तक समझ में आया होगा क्या कि हमने दो पेरेंट्स लिए, दो पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के सीड्स कैसे है, येलो कलर के है, शेप कैसा है, राउंड शेप है, दूसरा पेरेंट अनदर पेरेंट उसके कलर सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है, शेप कैसा है, रिंकल्ड है, दो पेरेंट क्रॉस करें, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, देन जीनोटाइप्स बोथ आर द होमोजाइगस, बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस और प्योर गैमेट्स F1। हियर इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंक्लूड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम or this law, law of independent assortment. Here, the statement, when two homozygous individuals different in two or more contrasting characters, दो रहेंगे तो उसके बाद ज्यादा भी रह सकते, दो से ज्यादा भी रह सकते, so when two homozygous individuals differentiate into or different into or two or more contrasting characters are crossed, then inheritance of each character is independent of each other in F2 generation. Each character is independent of each other in F1 generation. It is considered as Mendel's third law of inheritance. So, we will conclude in the next period. Thank you. Thank you very much.